एक कबूतरी हमार लड़की पढ़ लिख के देखे आईएएस ऑफिसर बनी और हमारे नाम की रोशन करी। तोहर लड़की पढ़ लिख के रोशन नहीं नाम के करी, लड़का पढ़ी लिखी तो नाम के रोशन करी। हमार लड़की भी देखिए एक दिन नाम रोशन करी और जरूर वो आईएएस ऑफिसर बनी। लड़का हमार पढ़ी लिखी ना तो वो अपन नाम के रोशन करी और अपन गांव के भी रोशन करी। लड़की यहाँ पढ़ के का करी, अपन ससुराल में चली तो ससुराल वाला के नाम रोशन करी। लेकिन लड़की भी ससुराल जाई वो यहाँ के नाम रोशन करी और वहाँ जाके वहाँ के नाम रोशन करी। लड़की घर काम करी है, वहाँ पढ़ लिखे कलेक्टर नहीं बन जी है। लड़की घर के काम नहीं करी, घर के काम करे बनी तू जरूर बने, लेकिन वो पढ़ लिख के और कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर जरूर बनी। लड़की ना घर के काम करला तो हम घर के काम करब, वो का करी कलम चलाए। तू काहे ना बड़े, तू काहे नहीं करबे काम घर के, वो तो देख ला जाए के पढ़ के का करला, नाम करला कि बदनाम कर। हमार लड़की बिल्कुल हमें भरोसा बा कि वो पढ़ लिख के हमार नाम रोशन करी। पापा मैं पढ़ने जा रही हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। जा बेटा तू पढ़ ना, जे तई पढ़े घर रहते घर के काम करते। नहीं ना मम्मी पढ़े दिए करो यो पढ़ के नाम। ए तू चुप रह, हमार बेटी जरूर पढ़े जाए। तोहार बेटी नहीं पढ़े जाए, बेटा हमार पढ़े जाए। जा बाबू गरीब हमार काम के भी आए, घर के काम करेगी। मम्मी मैं घर के पूरे काम कर दूंगी पर मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ना है ना, मुझे पढ़ना है। तुम घर के काम करो। बेटी उठो, उठ बेटी, आओ जो साथ है तू भैया के साथ पढ़। पहले घर के काम करे के बाद तू पढ़े जाइए, समझ में आई ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो। और बढ़िया है ना सब जी? खा पी कर आए हो ना जी? खड़े हो जा रहे हैं। तुम्हें क्या बनना है पढ़ लिख कर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है जी? ठीक है बैठो, तुम खड़े हो जा विनीत। मुझे कलेक्टर बनना है। कलेक्टर बनना है? पढ़ते हो घर पे जी? अच्छा ठीक है बैठो, खड़ा हो जा दो। तुम्हें क्या बनना है? बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बनना है? घर पे क्या घंटा पढ़ते हो? दो घंटे। सपने बैठो, सभी लोग घर पे पढ़ते हो ना जी? सच में ना जी? ठीक है। और हम लोग गरीबी के बारे में बात करते हैं, तुम लोग कहते हो ना कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, हमें बैंक मैनेजर बनना है। तुम कहते हो ना देवा कि हम गरीब हैं, हम नहीं बन पाएंगे। देखिए गरीबी से सभी लोग आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। जो गरीबी से संघर्ष करता है वही आगे की ओर बढ़ता है। जो जिसके पास गरीब आएगा तो नहीं उसको समझोगे? समझोगे ना। जब तुम्हारे घर पे द्वार पे भिखारी लोग आते हैं तो देते हो ना कुछ जी? देते हो ना जी? तुम्हारा भी वही दिक्कत है, गरीबी के चलते कुछ नहीं बन पाओ। लेकिन ऐसा बात नहीं है, आज समाज में बहुत आगे लड़के हो या लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। बस अपना सोच बदलो, माँ बाप के अपना सोच बदलो तभी आगे बढ़ पाओगी, वरना नहीं बढ़ पाओगी। ठीक है। बेटी तुम काहे बाहर बैठी हो? आओ। टीचर मैं नहीं आ सकती, अगर मैं वहाँ पे आऊंगी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी, वो पढ़ने मुझे नहीं देती। काहे? आओ तो सही। वो बोलती है कि बेटी घर की भाषण होती है, बेटी दूसरे घर की होती, इसलिए बेटी नहीं पढ़ सकती, बेटी का सिर्फ घर का काम चाहिए। ऐसा बात नहीं है, बस अपना सोच बदलो और माँ बाप का सोच बदलो। बैठो। क्यों मम्मी ऐसा काहे बोलती है? वो बोलती है कि लड़की आगे नहीं बढ़ सकती। काहे नहीं बढ़ सकती है? कभी माँ बाप
बाहरी भी तो निकाल के देखे। हाँ टीचर, मम्मी बोलती है कि ये घर के बासन है और दूसरे के यहाँ जाएगी तो सब काम करेगी। कोई जरूरी मम्मी से पढ़ने आए नहीं देती। कोई जरूरी थोड़ी है कि लड़कियाँ लोग यहाँ के, पता है ना लड़कियाँ लोग दो फूल के रोशन करती हैं। जी तब ठीक है, मम्मी ऐसे बोलती है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के कारण और यहाँ पे अशिक्षित होने के कारण सब बोलते हैं। कल से स्कूल आना ठीक है? यस मैम। अगर जरूरत पड़े तो हम घर पे आएंगे, तुम्हारी मम्मी से बात करेंगे ठीक है? ओके। कहे नहीं पढ़ने देती है, कल से आना ठीक है? ठीक है चलो जाओ। ऐसी लड़की जो इतनी गरीबी के जूझते हुए माँ की ताना सुनते हुए फिर भी कितनी बर्दाश्त करती है, लेकिन उसका मन में यही ललक है कि भले ही हम एक ग्रामीण व्यक्ति की क्यों स्टूडेंट है, आज हमें ग्राम में किसी लड़कियों की पढ़ने के स्थान नहीं दिया जाता। गरीबी से जूझ करके हमेशा चाहती है कि मैं अपना गांव का रोशन करूं। वहीं पर एक बालक जो डीएम का ख्वाहिश लेके बैठा है और कुछ दिन के उपरांत डीएम बन चुका, उसके घर में पत्नी भी आ गई है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, क्या बहन को पढ़ने का सम्मान मिलता है, क्या भाई वो बचपन का स्थिति भूल जाता है क्या, जो बहन को बचपन में हाथ धर धर के ले चलता था, आज वही भाई की देखते हैं क्या बहन को आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है या नहीं। ताली बजा। लड़की के हम भी पढ़ा सकली और हम भी सब ध्यान दे सकली। देखो बेटा हमारे पढ़ के आ गए, तुम्हारे बेटी अभी तक पढ़ के नहीं। बेटी भी आवत बा, वो पढ़ने नहीं गई थी। मम्मी कहाँ गई रही, अब लोग घर नहीं रही उतर। वो तो घर पे ही होगी, वो पढ़ने छोड़ जाती है, आप लोग जाने ही नहीं देते तो वो जाएगी कहाँ से। हम घर देखा भी तो घर नहीं देखेला, तो होगी कहीं पे, वो पढ़ने नहीं गई थी। ठीक बात, तू पढ़ के आ गई ला। हाँ कहाँ गई रहा अब तक ले, अभी तू आत बड़े घूम के घर के काम क्या करी सब। मम्मी मैं जंगल गई थी लकड़ियाँ लेने। सरेखा लकड़ी लेके आओ। लाई हूँ। तू शांत रह, हमार बेटी चुपचाप सब काम करते के साथ है और पढ़े गई रहे। ठीक बात, पढ़ावा देखबे करो कि बेटी आगे जात बा कि बेटा। हाँ तो तू देख लिए कि हमार बेटी जाला कि बेटा। ठीक है बात देखो, जब समय आई तब, अभी तो नहीं कुछ कह भेजा रोज पढ़ेला। हम अपन बेटी के जरूर भेजा, वो हमारे नाम रोशन जरूर करी। सुनो मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मुझे लिखना है एक और तुम घर का काम करो। बाबू तनी पैसा दे देबे, हमरा सामान लेवेला रहे। फिर आप लोग आ जाते हैं भिखारियों की तरह मेरे पास पैसा मांगने। मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, इतना पढ़ाई लिखाई लिया जमानिए कि भिखारी तू कह देला। क्या किए हैं आप लोग मेरे लिए, उतना दिन से आप पूरा हम घर जमीन जगह बेच वेच कर तरह पढ़ा के आज कलेक्टर बने लिया, आज तो तू हमन के भिखारी बोल देला। चुप रही आप सब, जब देखिए तब तब आप लोग पैसा मांगने में कहाँ से इतना आएगा पैसा। मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, कितना पैसा आएगा, जब पैसा मांगने आ जाते हैं। यहाँ के बेटा आईएएस अधिकारी बन चुका है, अब उसकी स्थिति देखते हैं। पूरा खर्चा हमें, जाइए आप लोग जहाँ मन तहाँ जाइए, मेरे हस्बैंड है। तू कितना पैसा करता है, आप लोग जाते हैं या मैं धक्का मार कर निकालू यहाँ से। हमारे घर में हमारा धक्का मार, चलिए कहले ना रे कि हमार बेटी देखिए कितना बढ़िया से नाम रोशन करी, आज समझ में अलग धक्का पहलू था। हम नहीं चलत रही कि बेटी और बेटा ये भेदभाव नहीं करे के चाहिए। अब बेटी हमार काम थी, लेकिन बेटा लात मार के घर से निकाल देला। अब बुद्धि खुल गई लग रहा कि बेटा और बेटी में कितना अंतर होगा।
समझ गई वो दिन बात नहीं मानती रही, लेकिन आज हमारा सोच गई मम्मी आपको क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों बैठे हो? अब का बताऊ मैया, तोरा नहीं पढ़ाती लेकिन लड़का हमारा घरे से लात मार के एक दिन निकाल दिलक जब पैसा मांगे गई तोरा फीस देवे खातिर। आज आपको समझ में आया? उस दिन मैं बोल रही थी, मेरी बात को आपने नहीं माना। उस दिन हम नहीं बात मानते रही लेकिन आज लड़का के पीछे इतना हम गईली लेकिन हमारे एक दिन घरे से लात मार के निकाल दिलक। पापा ये बात आपको कितने बार समझाए माँ लेकिन आप नहीं माने। नहीं मान ली ओकरे फल आज मिलत बा हमन के। चलो वाह भाई, क्या आपने करके दिखाया है? जिस माँ ने 9 महीने कोखी पाला, आपको 10 जन्म दिया और उसको आज अपने लात मार बाहर निकल दे। वाह, अरे तू माई बड़ी बोलने, चलो जाकर वहाँ पर झाड़ू पोछा कर, बड़ी आई पढ़ने वाली, जाकर वहाँ पर झाड़ू पोछा कौन करेगा? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ। मैं अपने, मेरे हस्बैंड है ये, तुम्हारे भाई नहीं। जाते कर रहे हैं आपसे मेरा रिश्ता नहीं है, अब ये मेरे हस्बैंड है, जब था तब था। चलो जाओ अब जाके अपना काम करो। नहीं जाऊंगी, चलो निकलो मेरे घर से, अब ये मेरा घर है, ये मेरे हस्बैंड है, तुम्हारे कोई नहीं है, चलो निकलो यहाँ से जल्दी जाओ। चल बेटी हमारे यहाँ से मत लड़े, हम घर में रहता थी ना, चल कहाँ रह के। चलो जाओ निकलो मेरे घर से। नहीं जाऊंगी, निकल जाइए आप, निकल जाइए। अपना बढ़िया ही रोने। जय हिंद जय भारत।